मांगों को लेकर पिछले करीब एक महीने से प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का धरना प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने दिन भर अपनी मांगों के समर्थन में राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वेतन विसंगतियों को दूर करने व अन्य मांगों को लेकर वे पिछले एक महीने से प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई और ना ही किसी ने उनकी सुध ली है। उन्होंने कहा कि अब बिना देरी किए सरकार हमारी मांगों को माने, अन्यथा हमारे सब्र का बांध टूटता जा रहा है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे शीघ्र पूरी नहीं की तो वे अपने हक के लिए एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगी। अलर्ट इंडिया न्यूज आज आपको ये दिखा रहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पे कई दिनों से जो हैं ये धरने पे बैठी हुई हैं, कोई काम नहीं कर रही हैं। इनकी ये डिमांड है कि इनकी लॉन्ग पेंडिंग जो डिमांड्स हैं वो अभी तक जो है सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। इनसे बात करते हैं जो हमारे साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं और उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मैं मोनिका, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन से। आज 42 दिन से हमने अपना एजिटेशन कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग जो हो रही है, जम्मू में सारे इकट्ठे हुए हैं, पुंछ में, रियासी में, विश्ना, विजयपुर, माइग्रेंट, गांधीनगर, सब प्रोजेक्ट है। आज कठुआ में भी ये एजिटेशन जारी हुआ है, ये यहाँ पे भी वर्कर्स और हेल्पर्स बैठी हैं। हमारे 10 साल से हमारे मानदेय में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमें ये बड़ा दुख है, हमारे CM जो एक महिला है और महिला थी और सबको एक स्किल्ड और अनस्किल्ड कैटेगरी में डाला और बजट में सबको खुश किया, लेकिन जो एक महिलाओं का डिपार्टमेंट था उसको नकार दिया। हम बजट की तरफ हमारी आंखें ही तरसती रह गई कि हमारी महिला CM थी हमारे लिए कुछ अनाउंस करेंगी, लेकिन हमारे लिए उन्होंने ना स्किल्ड में ना डाला ना अनस्किल्ड में डाला। हमारी ICDS की आंगनवाड़ी वर्कर खाली आंगनवाड़ी सेंटर का काम नहीं करती, दर्जनों डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करती हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, दूसरे पल्स पोलियो, BLO, सेंसस का काम सब इन वर्करों से लिया जाता है, लेकिन जब कुछ देने की बारी आई तो इस डिपार्टमेंट को नकार दिया गया। सिवाय वर्कर्स और हेल्पर्स को छोड़ के ICDS का पूरा डिपार्टमेंट 7th Pay Commission का बेनिफिट ले ले, लेकिन इन वर्कर्स और हेल्पर को 3600 रुपया, बड़ी शर्म की बात है, और 1800 रुपया आंगनवाड़ी हेल्पर्स को, जिसमें से 600 रुपया स्टेट गवर्नमेंट देती है आंगनवाड़ी वर्कर को और 300 रुपया हेल्पर को देती है। इस स्टेट के लिए और शर्म की बात क्या है। हमारी एक डिमांड है कि आंगनवाड़ी में भी 45 दिन की गर्मियों की छुट्टियां और 15 दिन की सर्दियों की छुट्टियां हो। और हमारी मुख्य डिमांड्स हैं जो हमारी 10 साल से हमारे मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है। जब तक हमारी ये हमें रेगुलराइज नहीं किया जाता, हमें पक्का नहीं किया जाता, तब तक कम से कम आंगनवाड़ी वर्कर को 10,000 रुपया, हेल्पर को 6,000 रुपया, जो हमारी 65 साल की कुछ बहनें जिन्होंने 40-40 साल इस प्रोजेक्ट में काम किया उनको रिटायर किया जा रहा है बिना कुछ दिए। ये बड़े शर्म की बात है। उन पर ग्रेचुटी स्कीम लागू की जाए ताकि वो अपने बुढ़ापे में अपने कुछ दवाई दारू का इंतजाम कर सके। और जो यहाँ पे पिक एंड चूज चल रहा है, कहते हैं कुछ काम करने के लिए उन कुछ वर्करों को बिना सीनियरिटी के सुपरवाइजर बना दिया। यहाँ हम पोस्ट ग्रेजुएट बैठे हैं, ये डिपार्टमेंट सीनियर बैठा हुआ है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, गुड़े हुए लोग भी बैठे हैं, तो एक नए बंदे बिना पढ़े हुए उनको आपने सुपरवाइजर बना दिया काम करने के लिए, अपनी मिली वगैरह चलती है आपकी। और कुछ वर्कर्स को यहाँ पे पीछे निकाल दिया गया था और उनको अभी तक ऑर्डर नहीं मिले कुछ वजह से, तो उनको बाद में मिनिस्टर ने बोला था हमने ले लिया है, ये गलती हो गई थी, लेकिन वर्बली बोला था, हम बोलते हैं उनको रिटर्न ऑर्डर दो। जी, सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी जी का नारा जब इलेक्शन आने वाली थी तो भाजपा के नेताओं ने घर घर जाके गली गली जाके ये प्रचार किया, सबका साथ सबका विकास। मैं कहती हूँ उस चीज़ को नकारात्मक ढंग से देखना जाए और उसकी लाइव एग्जाम्पल देखनी है। ICDS प्रोजेक्ट में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को देख सकते हैं। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं कहते हूँ यहीं पे देखा जाए जहाँ बेटियों को नकारा गया, बेटियों को ही पढ़ी लिखी बेटियों को नकारा गया, पढ़ा के उनको बिल्कुल आप 600 रुपया दे रही है स्टेट गवर्नमेंट और टोटल 3600 रुपया सेंटर की एक स्कीम है, ना सेंटर ने सोचा ना स्टेट ने सोचा, फिर आप कैसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मैं कहती हूँ अगर आपने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देनी है, कहीं पर महिलाओं को वाकई शोषण देखना है गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप ICDS प्रोजेक्ट में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को देख सकते हैं, जहाँ पे मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ने दिखाया सबको खुश किया, लेकिन यही एक डिपार्टमेंट था, यही एक विंग था जिसको नकार दिया गया, जिसकी तरफ क्रॉस बज गया। मैं कहती हूँ हमारे मिनिस्टर तब क्यों सोए थे, उनके जो उनके डिपार्टमेंट के पिलर्स है जिन्होंने उनके को एक कुर्सी दी हुई है, उस पिलर उन्होंने आपकी कुर्सी तैयार की और उन पर काटा बजा, आपने अपना बेनिफिट्स लेने का कैसे सोचा, कैसे आप सबका साथ सबका विकास कहते हैं। आपने एक फीमेल्स का पूरा डिपार्टमेंट छोड़ दिया और ये सेंटर लेवल की स्कीम है। आज यहाँ J&K में नहीं, कश्मीर में हमारी बहनें प्रेस इनक्लेव के बाहर आज लगातार 1.5 महीने से धरने कर रही हैं, एजिटेशन कर रही हैं। हम लोगों ने DIVCOM गवर्नर सबको दिया, BJP के MLS से मिले, हमने उन्हें कहा आप बोलते थे सबका साथ सबका विकास, कहां गया? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की लाइव एग्जांपल आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स है ICDS की। कल से क्या मुहिम जो है आपकी शुरू हो रही है? जब तक हमारी डिमांड फुलफिल नहीं होंगी, हमें रिटर्न ऑर्डर नहीं मिलेगा, तब तक हमारी एजुकेशन कंटिन्यू रहेगी।
इस सरकार ने कभी भी किसी को सोने की प्लेट में रख के नहीं दिया। ये मुलाजिम जो है हमेशा हक मांगते हैं। कुछ लोग ये गलत फहमी क्रिएट करते हैं, हमने मेमोरेंडम दे दिया तो मिनिस्टर ने दिया। अगर मिनिस्टर्स ये मेमोरेंडम देने से काम समझ जाते तो आज तक जितने कागज दफ्तरों में पड़े हैं वो दूसरे दिन हल हो जाते। इस गवर्नमेंट को रोने और पीटने से ही लगता समझ आता है। हम लोगों ने वेट किया था, हमने कहा बजट है हमारे लिए कुछ ना कुछ अनाउंस किए, लेकिन हमें बड़ी मायूसी हुई सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी। पहले इनके पास बहाना होता था फंड नहीं मिल रहा स्टेट गवर्नमेंट को, अब हम इनसे जवाब पूछते हैं सेंटर में भी आपकी गवर्नमेंट है। बीजेपी वाले थे, हमने इनको अपना नुमाइंदे थे, हमने इनको जिता के भेजा, लेकिन इनके तो वहाँ जाके जुबान ही बंद हो गई। इनके तो अपने नुमाइंदे सेंटर में बैठे हैं, ये तो एक मिनट में हक मांग सकते थे। इन्होंने एक डिपार्टमेंट को, मैं कहती हूँ मिनिस्टर सोशल वेलफेयर से भी एक अर्जली रिक्वेस्ट है, आपके डिपार्टमेंट में ICDS को एक क्रॉस बजा जहाँ पे महिलाओं का डिपार्टमेंट था, और आपका बीजेपी वाले नारा ही लेते हैं हम बेटियों का विकास कर रहे हैं, सबका साथ कर रहे हैं, तो कहाँ है सबका साथ सबका विकास? इसका जवाब तो आप खुद ही देख सकते हैं। जी आपने देखा कि इनका भी यही कहना है कि मुख्यमंत्री जो है वो एक महिला है और महिलाओं का दर्द जो है वो महिलाएं ही समझ सकती हैं। हमारे साथ और भी कुछ यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनसे बात करते हैं। जी क्या कहते हैं? मेरा नाम सुनीता है, मैं भी एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। जैसे अभी मेरी बहन जम्मू से आई है, इन्होंने बोला है कि 10 साल से अभी तक हमारा कोई वेतन बढ़ाया नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि जैसे 7th पे कमीशन लागू हुआ, हर एक मुलाजिम को कुछ ना कुछ मिला, बड़ा कुछ मिला, लेकिन हम वर्करें जो हैं हमारा सिर्फ काम बढ़ाया लेकिन दिया कुछ नहीं। हमारे जो स्कीमें अभी लागू हुई हैं जैसे MBP है, हम फोटो स्टेट करवा रहे हैं, बार बार दफ्तरों में जा रहे हैं, हमारी जो ऑनलाइन रिपोर्ट है वो हम पैसों से ले रहे हैं, पहले 5 रुपए की थी लेकिन अब 12 रुपए की है। तो हमने मुफ्ती से यही रिक्वेस्ट की थी कि एक महिला है, हमारी महिला का दर्द सुने और हमारा जो वेतन है कम से कम जो है वो 10,000 किया जाए और हेल्पर्स का जो है वो 6,000 किया जाए, तो हम भी संतुष्ट और हमारे डिपार्टमेंट भी संतुष्ट। वो भी एक महिला है, मुझे लगता है कि महिला का दर्द समझ सकती है, अच्छी तरह से समझ सकती है, लेकिन ये महिला क्यों नहीं समझ रही है ये तो पता नहीं है। पर ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि एक आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो बहुत सारा काम करती है। वो ये नहीं है कि उसने सिर्फ एक ही है कि मंथली रिपोर्ट बनानी है, वो ही देनी है, उसके ऊपर और बहुत सारी स्कीमें लागू कर देते हैं। अभी ये रिपोर्ट बना के दो, अभी ये बना के दो, अभी कोई पुअर गर्ल का आ गया उसकी रिपोर्टें बना के दो, अभी कोई BLO की ड्यूटी है वो भी दो, पल्स पोलियो है वो भी दो, घर घर जाओ, लाडली बेटी, कितनी सारी स्कीमें जो हम आंगनवाड़ी वर्कर ही करती हैं, और हम टाइम से उनको देते भी हैं सब करके, अपने पैसे खर्च करके भी हम कोई कुछ ले रहे हैं, कोई फार्म ले रहे हैं वो फिल करके देते हैं, फोटो स्टेट खुद ही करवाते हैं, तो लेकिन हमारी सरकार सुनती नहीं है। वो समझते हैं कि ये ऐसे है कि सोशल वर्क है लेकिन पेड़ तो हमारे साथ भी है, हमारे बच्चों के साथ भी लगा हुआ है। सोशल वर्कर करना है तो जो 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं वो क्यों नहीं सोशल वर्क करते हैं, उनको भी करना चाहिए सोशल वर्क, है ना। अब मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, और जो आज मेरी बहनें नहीं आई हैं यहाँ, मेरी तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सबका साथ दो। अगर यहाँ पे 50 आई हुई हैं तो वो भी अपना घर अपने सेंटर सब कुछ बंद करके आई हुई हैं, तो मेरी जो भी मुझे सुन रहा है मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कल प्लीज़ सब यहाँ पे आएँ और सभी हमारा साथ दें। सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये खाली भारतीय जनता पार्टी के खोखले दावे जो हैं वो ICDS डिपार्टमेंट को आप देख सकते हैं, ये खोखले दावे जो हैं उनके ये सब साबित हुए हैं। और इनका ये भी कहना है कि आने वाले इलेक्शंस में इनको इस चीज़ का जो है खामियाजा भी जो है वह भुगतना पड़ेगा। अरुण त्रिसल, अलर्ट इंडिया न्यूज़, कठुआ।